And after returning to India in 1915, Gandhiji was determined, he has firm determination to use the weapon of Satyagraha, non-violence, against the British Raj. He traveled to Champaran. Champaran, the first place in Bihar, in 1916 to inspire the peasants, farmers, to struggle against the oppressive. Oppressive means जो उनको उनके ऊपर दबाव है इंग्लिश का, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं. प्लांटेशन सिस्टम. ही देन ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, चंपारण और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. खेड़ा गुजरात में है, चंपारण बिहार में है. वहाँ पे जो उनका मूवमेंट हुआ वो 1916 में हुआ, और क्या कहते हैं, इन 1917 गुजरात का इवेंट है. इस सब में आप में पूछा जाता है. इन द सेम वे सत्याग्रह मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज इन अहमदाबाद ऑल्सो इन 1918 अमंग द कॉटन मिल वर्कर्स. यानी यही जो जिन जगहों पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इंडियन, सबसे पहले मूवमेंट्स गांधी जी ने वहीं पे किए 1916 में चंपारण बिहार में जाके. उन्होंने जो प्लांटेशन सिस्टम है यानी फार्मर्स की जो प्रॉब्लम थी उसको के लिए करा. फिर फार्मर्स जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के गुजरात के फार्मर्स थे उनके लिए 1917 में किया. फिर अहमदाबाद में आके उन्होंने 1918 में मूवमेंट किया, 17 किसके लिए, जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके लिए. दस महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड द सत्याग्रह मूवमेंट एट वेरियस प्लेसेस इन इंडिया. तो जब लोग जो लोग इतने टॉर्चर्ड थे इंडियंस उस वक्त, जब उनको प्यारा सा सपोर्ट मिला महात्मा गांधी का, उन्होंने फौरन उनको सपोर्ट किया. इस तरह वो इस्टेब्लिश कर पाए अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड को किसके लिए, इंडिया के स्ट्रगल के लिए, इंडिया के फ्रीडम के लिए. इसके बाद वी विल स्टडी अबाउट द रोल एट सत्याग्रह.